अकर्म का अच्छा पर बाल ब्रह्मा को देखिए पहले कि उसी में है नीचे है नहीं। वे क्रिय इत्येवा तथा च अकर्मगात विपूर्वाद क्रिय आत्र पदम इत्यर्थ। अकर्मक जो विपूर्व क्रिय धातु है उसे आत्म संचक प्रत्यय होते हैं विकुर्वते इत्येतद् व्याचष्टे उसी की व्याख्या के कर दिया। यहाँ विश्राम होना चाहिए आत्र पदम इत्यर्थ उसके बाद विश्राम। फिर विकुर्वते दृष्टान्त है छात्रा विकुर्वते उसी पर इन्होंने दिखा दिया उसकी व्याख्या आगे लिख दिया। विकारम लभन्ते इति लाभे विकार से कर्मत्वेपि धात्वर्थोपसंग्रहात् अकर्मकत्वम्। लाभ में विकार यद्यपि कर्म है वह लेकिन धात्वर से उपसंग्रहित होने से अकर्मक हो जाता है। सम्मानोत्संजन इत्यादि येषु गम्येषु नी धातोर आत्रवदम इत्यर्थ। ये अर्थ गुमान हो तो नी प्रापणे हैं धातु का अर्थ है प्रापणे लेकिन उससे भिन्न इन अर्थों में जब रहेगा वो आत्रपद हो जाएगा। उसमें तो है ही वो उभयपदी स्वयं नहीं क्या है हित होने से उभयपदी है आत्रपद तो है ही वो प्रापण अर्थ में इन अर्थों में भी उसको आत्रपद कर दिया गया। परगामिन्यपि फले आत्रपदार्थम इदम परगामी हो फल तब भी आत्रपद के लिए सूत्र हुआ। इतरेति सम्मान आचार्य कर्ण प्रवृत्ति इत्यर्थ प्रयोगोपादेति विभाग कर दिया ना अमूल में चार अर्थ अलग कर दिया तीन अर्थ अलग किया इतने के तीन अर्थ को इन्होंने बता सम्मान आचार्यकरण और प्रवृत्ति इन तीन अर्थ में प्रयोगोपादेति वाच्यत्वभावे पे आर्थिक सत्ता मात्र शब्द प्रयोग है निमित्तभूता इत्यर्थ। प्रयोगोपाधि का तात्पर्य है वाच्यार्थ भले नहीं है किंतु अर्थतः उनकी सत्ता मात्र से शब्द प्रयोग में निमित्त हो जाते हैं। आत्मपद द्योत्या इतिहात उन्हें आत्मपद के द्वारा यह अर्थ द्योतित हो जाता है। तदेव उपादित प्रतिजानीते तथा ही थी सम्मान में दृष्टान्त सम्मान उदाहरण दी शास्त्रे नयते इति अत्रणी प्रापणार्थक सिद्धांतम इति अध्यार्यम सिद्धांत को वो प्राप्त करता है सिद्धांतम प्रति अधिकरणत्वात् शास्त्र इति सप्तमी सिद्धांत के प्रति अधिकरण है कौन शास्त्र शास्त्रों में ही सिद्धांत रहता है इसे सत्वी भक्ति कर दी गई तदा शास्त्रस्थम इत्यादि तेनेति सिद्धांत प्रापणेन इत्यर्थ फलितम मने अर्थात सिद्धम इति भाव उत्संजने मने उदाह्रियते ऐसा ध्यान कर लेना उत्संजन का अर्थ क्या है उत्संजनम उत्क्षेप ऊपर की ओर फेंकना उत्क्षेपति इत्यर्थ इति धातुना मने कर्तत्व इति भाव यह कैसे ले लिया आपने धातु नाम ने कर्तत्व आचार्य करण उदाहरण दिया आचार्य करण में उदाहरण दे रहे हैं मानवकम उपनयते इति उपपूर्वोणी समीप प्रापणार्थक सामीप्यंच प्रत्यासत्य प्रापित्रपेक्षमेव सामीप्य भी है प्रत्यासत्ति रूपी सन्निकर्ष विशेष को लेकर के होता है प्रापयिता की अपेक्षा से होता है। तत्र मानवकीय आत्मसमीप प्रापणम वैधम एव विवक्षितम भावी मानव का संबंधी जो स्वस्वीप को प्राप्त कराना वह भी विधिवत होनी चाहिए। यूं ही ले गया वैद्य के पास भी ले जाते हैं नहीं रोगी के पास ले जाते हैं ना रोगी को वो भी समीप में ले जाया जा रहा है लेकिन वो नहीं है ये विधिवत वहाँ कोई विधि पालन करना पड़ता है क्या डॉक्टर के पास जाने के लिए आजकल उसे विधि बना दिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सब करना लफड़ा बहुत है आजकल पहले ऐसे नहीं था वैद्य के पास चले गए उसने जाए जो क्रम से आए वो क्रम से बैठो बोल देता था क्रम से किसी को बुलाया अपना छुट्टी। आजकल तो इतने ज़्यादा जनसंख्या और भीड़ वगैरह हो गया तो पहले से बुकिंग करना पड़ता है। वैधमी विवक्षिता पूर्वोत्तर अंग कलाप आमनान सामर्थ्यात् पूर्वोत्तर अंग कलाप का पाठ के सामर्थ्य से तदा विधिना आत्मसमीपम प्राप्यति इति तदर आचार्यकरण से आर्थिकत्व उत्पादित आचार्यकरण यहाँ पर अर्थत सिद्ध होता है वाच्यत नहीं उपनयन पूर्वकीण के उपनयन पूर्वक ही अध्यापन कराया अध्ययन कराया जाता है अध्यापक के द्वारा मानवकम उपनयित तम अध्यापयित ये विधि है जो केवल पढ़ा रहे इसलिए भी आचार्य नहीं केवल उपनयन संस्कार करके छोड़ देते हैं वो भी आचार्य नहीं दोनों में आचार्य तो खत्म।
वो प्रेम संस्कार करके छोड़ते हैं, उनको कोई संज्ञा ही नहीं है, उनके आगे पुरोहित खाना पड़ गया, पुरोहित है जिन संस्कार करके छोड़ दिया। इति अध्यापनार्थत्वम उपनयनस्य अवगतम, इसे अध्यापन के लिए ही उपनयन संस्कार हो रहा है, वेदों को पढ़ाने के लिए उपनयन संस्कार करता है वो आचार्य। अध्यापनाद आचरित्वम संपदते, इस तरह से उपनयन करा करके फिर अध्यापन जब कराता है तब उसमें आचार्यत्व आता है। इसको स्मृतिकारों ने कहा उपनीयत यह शिष्यम वेदम अध्यापय द्विज सकल्पम सरहस्यंच तमाचार्यम प्रचक्षत इति स्मरणात् तथा च आचार्यकरणम उपनयन साध्यत्वात् आर्थिकम इति भाव, आचार्यकरणत्व उपनयन क्रिया का द्वारा साध्य होने के नाते अर्थत्व सिद्ध हो जाता है। ज्ञानयति उदाहरिति शेष निश्चिनोति इत्यर्थ इति नयतिर निश्चयार्थक इति भाव, निधातु निश्चयार्थक हो जाता है। भृतौ उदाहरति कर्मकरान उपनयते इति, भृति मने वेतना तदर्थं कर्म करोति, तदर्थ कर्म कराता करता है उसको कर्म कर, उसको कहते हैं कर्मकर, नौकर लोग, नौकर चाकर जो होते हैं उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है कर्मकर। कर्मणि भृतौ इति ट प्रत्यय करके सूत्र के द्वारा बना है, कर्मणि उपपदे क्रियष्टः स्यात् कर्त्री इति उस सूत्र का अर्थ है। उपपूर्वको नि समीप प्रापणार्थक, समीप प्रापणंच भृत्यर्थम नौकरी कराने के लिए, कर्मकर शब्द संविहाराद गम्यते, वह भी कर्मकर शब्द का सात्व पठित होने से ही यह अर्थ गम्यमान हो जाता है, फलितार्थ कह दिया भृतिदानेन इति स्वसमीपम प्राप्यते कहा था। ऋण आदेरिधि आदिना कराज संग्रह, केवल ऋण ही नहीं कर भी लेंगे, कर माने टैक्स। निर्यातनम माने प्रत्यर्पण आदि, निर्यातन का मतलब होता है प्रत्यर्पण करना, दे देना लौटा देना। करम विनयते राज्य देयो भाग करा विपुरोणि परिशोधनार्थक तदा राज्य देय भागम परिशोधयती थी, विपुरोणि धातु के परिशोधनार्थ में लेंगे, अर्थ हो जाएगा राजा के लिए देने योग्य जो भाग है उसको परिशोधन कर दिया, मैंने अपने धन सम से अलग करके रख दिया। दूसरे में व्यये उदारती शतम विनयते धर्मार्थमिति, अत्र विपुरोणि व्यया व्ययार्थक, यहाँ विपसर्ग नि धातु व्ययार्थक हो जाता है। तदा उसको कहा विनियुंते तीर्थ इति, नीचे चारी पंक्ति है सम्मानना उपनयन पूर्वकेण इति में दृष्टांत में उपनयन पूर्वकेण इत्यादि, उपनयन बटु संस्कार तस्य परगामित्वात् परस्य पदे प्राप्ते, परगामी होने से परस्य पद प्राप्त था अनेन आत्र पदम विधीयते, क्योंकि उपनयन संस्कार जब करता है आचार्य हो कुल पुरोहित हो किसका संस्कार कर रहा है वटु का, संस्कार कहाँ है वटु में है कि नहीं, परगामी होगी नहीं, कर यह रहा है और प्राप्त उसे होता है संस्कार, अतएव परगामित होने के बावजूद भी आतुरपद करना है, इसके लिए सूत्र में जोड़ना पड़ा। नहीं उपनयन मात्रेण आचरितम भवती, देखो उपनयन संस्कार करने मात्र से आचरित्व की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उपनयन मात्रेण आचरितम नहीं संभवती, किंतु तत्पूर्वक अध्यापन न, तत्पूर्वक अध्यापन के बाद ही आचार्यत्व से माना जाता है। इति आचार्यकरण से प्रयोग उपाधित्व परंपरया जेयम, इसलिए जो है आचार्यकरणत्व प्रयोगोपाधित्व न परंपरा से ज्ञात हो जाता है। इसलिए तो उपनीय दत्तद्वेदम आचार्य स उदाहरतः इति स्मृति ही, कोई दूसरी स्मृति है उपनयन करके जो वेदों को देता है, ऐसा देता हुआ व्यक्ति, वेदों को देता हुआ जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को आचार्य करके कहा जाता है, ये भी श्रुति है। सूत्र कर्तृस्ते चा शरीरे कर्मणि, कर्तृस्ते चा शरीरे कर्मणि, कर्तृस्ते सप्तमी के एक वचन चे अशरीरे सप्तमी के एक वचन, कर्मणि सप्तमी का एक वचन। नियह कर्तृस्ते कर्मणि यद आत्र पदम प्राप्तम तत् शरीराव भिन्न एव स्यात्, नियह नि धातु के कर्ता में स्थित जो कर्म है
उस कर्म विषय जो आतुरपद होकर प्राप्त हो वह शरीरावय से भिन्न में होता हो तो होगा, अन्यथा नहीं। इसे शरीर में जो सूत्र में जो शरीर शब्द है, सूत्रे शरीर शब्द है ना, तद अवयव लक्षित है। अतः वह सूत्र में क्या है, शरीर जो शब्द आया हुआ है उसे उसका अवयव लक्षित होगा। इसलिए अशरीर में अशरीरावयवे अर्थ हो जाएगा। किसके शरीर के अवयव में नहीं है वो तो विचार करना पड़ेगा ना। इसे कह दिया निह कर्तृस्थे, निधातु का जो कर्ता में स्थित हो, शरीर का अवयव में ना हो लेकिन कर्ता में स्थित है। ऐसे चोट लग गया, कट गया, जल गया, ये क्या होता है, शरीर के अवयव में रहता है। और क्रोध कहाँ है, अंतकर्ण में कह देना पड़ेगा, लेकिन वो व्याप्त है। क्रोध का असर पूरे शरीर में रहता है, किसी एक अवयव में होता नहीं। वो वृत्ति विशेष अंतकर्ण का हम लोग कहते हैं वेदांती लोग, इन क्रोध को किसी गुणों में गिना नहीं, नहीं आई कभी, ये सब द्वेष का प्रभेदों में गिनती किया। सुख दुख द्वेष है ना, वहां पर उसके जो आप देखे होंगे पदकृति में उसका भेदों को दिया है ना, प्रत्येक अच्छे अच्छे भेद वगैरह गिनाया है, वहां पर आया क्रोध ईर्ष्या अमर्ष, ये सब गिनाया वहां पर। प्रभेद में गिनते इसको, साक्षात गुणों में नहीं गिनते, इसलिए आत्मा का साक्षात गुण भी नहीं है। ये उनके मत के अनुसार भी अंतगण वृत्ति विशेष माना जाता है। क्रोधम विनयते अपगमयति, क्रोधम विनयते मैंने अपगमयति, अपगम करने का मतलब क्या हुआ, क्रोध का विनयन करना, अपगमन करने का मतलब चित्त को प्रसन्न कर देना। तत्फल से चित्त प्रसाद से कर्तृकत्वात् स्वतः सिद्ध है नियमार्थमितम, इसका जो फल है वह चित्त की प्रसन्नता, वह कर्तृगामी है। से कर्तृगामी क्रियाफल में तो आतुर्पद फल से था ही, स्वर्तः कर्तव्य क्रियाफल सूत्र से, तब इत्येव सिद्ध है नियमार्थमितम, ये नियमन करता है। शरीर का अवय विशेष में तो भी कर्तृगामी होता है ना, हाथ टूट गया, कट गया, कुछ होता है तो खुद आदमी व्यक्ति तो बोलेगा मेरा हाथ में ये हो गया, मैं दुखी हूँ, दर्द हो रहा है, व्यवहार करता है, तभी कर्तृगामी है। शरीरावयव को अलग कर दो, ये नियमन कर दिया। जब शरीरावयव में नहीं है ऐसा जो कर्तृगामी होगा तो इसी विषय में केवल आतुरपद होगा। ते नहीं अन्ना, इसे यहाँ नहीं होगा। गडुम विनयति, गडुम विनयति, गडू हो गया, गडू क्या है, गडू को होता है कहीं भी फोड़ा सा हो गया, ऐसे प्रसिद्ध रूढ़ है इसको, पीठ में होता है ना कुबड़ा, कुबड़ा बोलते हैं उसको, पीठ में हो जाता है मोटा सा, यूँ करके चलता है, इसलिए इस तरह से यूँ हो जाता है, हाँ कुब्जा, कुबड़ा पर बोलते हिंदी में, पीठ में हो जाता है, किसको जन्म से होता है, कुछ बाद में भी हो जाता है। और वैसे कहीं भी अंग विशेष में मोटा सा सूजन हो जाए उसको भी गड़ू कह देते हैं संस्कृत में, उसको अपने यदि, ये तो अवयव में है ना, ये तो शरीर का अवयव में स्पष्ट दिख रहा है, इसे यहाँ पर आतुरपद नहीं होगा, यहाँ परस्य पद हो जाएगा। गड़ुम विनयति, फिर कथम तरी विगणय्य नयन्ति पौरुषम, ये कैसा हो गया, विगणय्य नयन्ति पौरुषम, कर्तृगामित्व अविवक्षायाम भविष्यति, या कर्तृगामित्व विवक्षा नहीं किया हमने, अविवक्षा कर दी तो परस्य पद हो गया, कर्तृगामी है लेकिन उसकी विवक्षा नहीं की तो परस्य पद हो जाएगा। व्याकरण सब कुछ जो है विवक्षा तो भवंती, वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमः, वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमः, वृत्ति सर्गतायनेषु सप्तमी का बहुवचन, क्रमः प्रथमा का एक वचन। इन अर्थों में क्रमोपाद विक्षेपे था, धातु क्या है क्रमोपाद विक्षेप, घूमना फिरना, लेकिन अन्य अर्थ में ले लिया, वृत्ति अर्थ में ले लिया, सर्ग और तायन, इन तीन अर्थों में जब प्रयोग करेंगे क्रम धातु को तब आतुरपद हो जाएगा। वृत्ति का मतलब होता है अप्रतिबंध, बिना कोई प्रतिबंध लगातार चलना, ये वृत्ति है। रिचि क्रमते बुद्धि ही, जब क्रम धातु प्रयोग कर दिया वृत्ति अर्थ में, रिचि मैंने ऋचाओं को पढ़ने में, बुद्धि बिना प्रतिबंध
बिल्कुल रोक टोक के बिना फटाफट पड़ते जा रहा है। इस अर्थ में प्रयोग हो गया क्रमत है न प्रतिहन्यति इत्यर्थ, बुद्धि बिल्कुल रुकती नहीं है, एकदम लगातार पड़ती जाती है ऋचाओं को। सर्ग का अर्थ या सृष्टि नहीं लेना, सर्गम मने उत्साह, अध्ययनाय क्रमते मने उत्साहते इत्यर्थ। क्रमन्ते अस्मिन् शास्त्राणि, देखो शास्त्राणि अस्मिन् क्रमन्ते प्रयोग कर दिया, स्फीतानि भवन्ति इत्यर्थ। तायन, तायन अर्थ में मैंने स्पष्ट है, विस्तार है, फाइल के बिल्कुल साफ साफ हो गया, इस अर्थ में प्रयोग होता है। अब ये वृत्ति सर्ग तयन को काफी दूर तक अनुवृत्ति करेंगे। उपपराभ्याम, उपपराभ्याम पंचमी द्विवचन क्रमक अनुवृत्ति, वृत्ति सर्तानिषु अनुवृत्ति, वृत्त्यादिषु आभ्याम विक्रमेर न तो उपसर्गांतर पूर्वात्। वृत्त्यादि तीन अर्थों में जो क्रम धातु केवल का प्रयोग कर दिखाए हैं, और इन्हीं अर्थों में यदि आप उपसर्ग पूर्वक प्रयोग करना चाहें तो उप और पर इन्हीं दो उपसर्ग पूर्वक ही इन तीन अर्थों में क्रम धातु को आत्मपद होगा। इससे भिन्न उपसर्ग प्रयोग हो, भले यही अर्थबोध हो रहा है तो भी आत्मपद नहीं होगा, इसे भिन्न उपसर्ग है। तो उपक्रमते पराक्रमते न संक्रामति आंग उद्गमने, आंग उद्गमने आंग पंचमी के एक वचन, सप्तमी के एक वचन उद्गमने। आक्रमते सूर्य आंग उपसर्ग पूर्वक कर्म धातु को आत्मपद होता है, उद्गमन अर्थ हो, उद्गमन मने उदय होना अर्थ हो, इसलिए उदयते इत्यर्थ, सूर्य का उदय हो रहा है। ज्योतिरुद्गमन इति वाच्यम, ज्योतिरुद्गमन इति वाच्यम, मैंने सूर्य आदि ज्योतिर्मय पदार्थों को उदय में ही लेना, धुआं आदियों के उदय में नहीं लेना, वहां पर शपथ रहेगा। देखो इसलिए यहां नहीं हुआ आक्रामति धूमो हर्म्य तलात, हर्म्य तल मकान के छत से क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, वहां तो उदय हो रहा है ना, धुआं का उदय हो रहा है वहां से, लेकिन आत्मपद नहीं हुआ, परस्य पद हुआ, क्योंकि धुआं क्या है, ज्योतिर्मय पदार्थ नहीं है। वेह पाद विहरणे, वेह पाद विहरणे, वेह पंचमी के वचन, पाद विहरण सप्तमी के एक वचन, वियुप से प्रक्रम धातु को पाद विहरण अर्थ में ही केवल क्या होता है, आत्रपद हो जाएगा। साध विक्रमते वाजी, वाजी साध विक्रमते, ये जो घोड़ा है बहुत बढ़िया चाल चलता है, एक भी पग गलत नहीं रखता। घोड़ों का परेड आपने देखा होगा टीवी में, तो देखे होंगे घोड़ों का परेड सिखाए जाते थे पुलिस के आर्मी में सब में, बिल्कुल बढ़िया ऐसे चाल होता है, आवाज़ की इधर गजब इसलिए सुनाई देती है, एक कदम जैसे चलता है, जैसे आदमी का जूते के उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है, उनके पग में कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने गजब चलते हैं। उसको कहते क्रमत है, विक्रमते साधु वाजी। पाद विहरण की विक्रामति संधि ही, संधि टूट गया है, यहाँ पाद विहरण नहीं है, यहाँ जोड़ किया था आपने कोई तो चीज को, गोंद लगा दिया फेविकॉल और खुल गया, छूट गया। विक्रामति संधि ही द्विधा भवति स्फुटति इत्यर्थः, प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम, प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम, दोनों पंचमी के द्विवचनांत पद है, समान अर्थ समर्थ का मतलब सम अर्थ समार्थ होना चाहिए, सकंदवाच पूर्वम वाच्यम से परूप हो गया, समान अर्थ वाले होने होनी चाहिए प्ररूप, ऐसे अर्थ में जाकर के क्या होता है, योग में आत्रपदों का क्रम धातु से, समर्थौ मैंने तुल्यार्थौ सगंधवायित्वात् परूपाम, प्रारंभे अनयोस् तुल्यार्थता, प्रारंभ अर्थ में ही प्रोपसर्ग पूर्वक और उपोपसर्ग धातु के साथ तुल्यार्थ वाला हो जाता है। प्रक्रमते उपक्रमते
दोनों कर दिया, प्रारंभ करना आरंभ करना, ये तुल्य अर्थ हो जाता है। अन्यत्र प्ररूप का अलग अलग अर्थ भी हो जाते, जैसे समर्थाभ्याम किम तुल्य अर्थ होने पर क्यों कहा प्रक्रामति, मान केवल गच्छति यह आरंभ अर्थ नहीं है, उपक्रामति मान आगच्छति उल्टा अर्थ हो गया, तुल्यार्थ नहीं रह गया, इसे आत्मपद नहीं होगा प्ररूप के योग में, किंतु परसपद हो गया। अनुपसर्गाद्वा अनुपसर्गाद्वा अनुपसर्गात पंचमी वाद पे जहाँ उपसर्ग नहीं है वहाँ विकल्प से परसपद आत्मपद होगा, क्रामति क्रमत है दोनों बन गया। अप्राप्त विभाषा ही हम कहते अप्राप्त विभाषा है, क्योंकि पूर्व में भी आपने बिना उपसर्ग दिखा दिया, अनुपसर्ग दिखाया था ना शुरू में ही, वृत्ति सर्ग तायनेश अर्थ में कहते वो वास्तव में नित्य है, आगे लिखते वृत्त्यादि तो नित्यमेव, वृत्त्यादि में अर्थ में क्रम धातु को उपसर्ग रहित काल अनुपसर्ग दशा में भी नित्य था वो, अतः ये जो अनित्य आत्मपद था इसे ये क्या हो गया अब अनित्य, कैसे वैकल्पिक हुआ, इसलिए अप्राप्त विकल्प कहना पड़ा, प्राप्त का विकल्प नहीं, उस उसे प्राप्त का विकल्प नहीं कर रहा है, इसे उन अर्थों से भिन्न अर्थ में लेने पड़ेंगे। वृत्त्यादि में तो नित्य होता है और इसे भिन्न अर्थ में क्या केवल क्या होगा केवल धातु को प्रयोग करूंगा तो अप्राप्त भाषा पर वैकल्पिक प्रयोग हो जाएगा, क्रम धातु का विचार पूरा हो जाता है। अपन्नवे ज्यः अपन्नवे ज्यः अपन्नवे सप्तमी का एक वचन ज्यः पंचमी का एक वचन शतम अपजानीते अपलपति इत्यर्थ सब अपन्नवे सप्तमी का वचन ज्यः पंचमी ज्यः धातु ज्यः अवबोधन धातु है उस धातु से अपन्नव अर्थ में आत्रपद हो जाता है। अपन्नव मने का है हट जाना, मैंने अपने बात से हट जाना, जो बोला था उसको नहीं करना। शतम अपजानीत है मैंने अपलपति इत्यर्थ, पहले कहा था 100 रुपया दूंगा और फिर दिया ही नहीं, अपलाप कर गया, इस अर्थ में आत्रपद होता है। इस धातु का और भी कार्य है, लेकिन से पहले यहाँ तक टीका देख लीजिए। कर्तृस्थ तत्बोधनी कर्मणीति आत्मगामिनी क्रियाफल इत्यर्थ, आत्मगामी क्रियाफल होने पर भी वृत्तिसर्ग तायरी संतान पालन योग धातु है, यानी यहाँ पर तायनम कर तो स्फीतता स्पष्ट होना, तदा स्फीतानीति प्रवृद्धानित्यर्थ वे पाद विवरण यदि वे क्रमे है पाद विक्षेप ये वार्ता उसी अर्थ में है, ये पाद विवरण को पाद विक्षेप को दोनों पर्याय है, तथापि धातु नाम अनेक अर्थत्वाद ये धातु अनेक अर्थ वाला होने से ये बोध करा दिया, ऐसे वहाँ पर भी आता ना सेदतिर गतौ शुद्धगत्याम है पहले से ही, फिर गतौ क्यों कहने की जरूरत थी सूत्र, सूत्र में गतौ कहने का अभिप्राय यही है धातु नाम अनेक अर्थत्वाद इसे भिन्न अर्थों में कार्य न हो। प्रोपाभ्याम प्रोपाभ्याम प्रारंभित सुवचम समर्थाभ्याम इधर गौरव क्यों कर दिया है समर्थाभ्याम, अरे सीधे बोलते प्रारंभे 3 अक्षर होता, वहाँ 4 अक्षर प्रयोग कर रहे हैं पाणिनी और सब संयोग वाले गौरव, तो लाघव यही था प्रारंभे कहना इत्येव सुवचम। उपक्रामदीति वृत्त्याद्यर्थेषु एव उपपराभ्याम इति प्रवृत्तेर नात्रात्मसंख्यम इति भावः, क्योंकि तुल्य अर्थवाद वृत्त्याद्यर्थों में ही उपपराभ्याम सूत्र प्रयोग हुआ था, इसे यहाँ पर अभी उपक्रामति बोलेंगे तो भी दोष नहीं आएगा, न अत्रात्र पदम या परसपद ही रहेगा, जहाँ तुल्यार्थ नहीं है वह परसपद रहा और वृत्ति तयनादि अर्थ भी नहीं है। वृत्त्यादोत्विति न च वृत्त्यादि सूत्र सोपसर्गे चरितार्थमिति अनुपसर्गात क्रमेर वृत्त्याद्यर्थेपि विभाग विभाषय वस्तु इति न वाच्यम कि उपपराभ्यमिति नियम से उक्तत्वात्, वृत्त्याय सूत्र सोपसर्ग में चरितार्थ हो जाता है, इसे अनुपसर्गात क्रम धातु में वृत्त्याद्यर्थ में भी विभाषा होना चाहिए ऐसे आशंका प्रकार से नहीं नहीं वहाँ उपपराभ्याम के द्वारा हम पूर्व में नियमन कर चुके हैं, जब प्रोपाभ्याम वहाँ नहीं लग सकता और अर्थ भेद कर दिया है, प्र और उप दोनों समान अर्थ होनी चाहिए, वृत्तिसर्गतायन अर्थ को लेकर के इन दोनों का समान अर्थ है ही नहीं, आरंभ अर्थ में क्यों समान अर्थ होता है
वृत्ति सर्ग और तैनित समानार्थ नहीं होता, इसे उस सूत्र विसूत्र विषय भिन्न होने से उस सूत्र को विकल्प नहीं करेगा, किंतु वह सूत्र नित्य कार्य करेगा, अतः यह अप्राप्ति भाषा बन जाएगा नियम से उक्तत्वात्। बार ब्रह्मकार कहते हैं कर्तृस्थ नियति इति कर्म कार्य कर्तृस्थ सती निधात और यदातर पदम कर्तृ के फले इत्वात् प्राप्तम तत् शर्राव्य भिन्न एव सती कर्मकार के स्यात्। कर्मकार के कर्तृस्थ कर्तृस्थ कर्मकार के विषय में निधातु से जो आत्म कर्तृगामी क्रियाफल उन पर इत्वात् प्राप्त था उसको शर्राव्य से भिन्न में होने पर उस कर्मकार के संबंध में ही यह आत्म पद कर देगा, नित पर से पद हो जाएगा। कर्मण शरीरावत्वे तो कर्तृगे भी फले परसपद मेव। देखो इसे कर्म जो है शरीरावय पर हो ऐसी स्थिति में कर्तृगामी क्रिया फल होने पर भी हम परसपद कर देंगे। नाना सूत्र है शरीर ग्रहणात् खत्म शरीरावय इत्युक्तम, सूत्र से शरीर बोला है आपने इसको संकोच कर दिया, शरीरावय तर्क ले जा रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। इत्यतः सूत्र इति शरीर तादात्म्यापन्न से कर्तृत्वया शरीर से कर्तृत्वम न संभवती। यह शरीर के साथ तादात्म्य आत्मा है उसी में कर्तृत्व होता है, इसे शरीर के अंदर कर्तृत्व नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर पूरे शरीर को व्याप्त होने वाला ही कर्ता, और कर्ता में फिर शरीर कहाँ से आएगा, इसे कर्तृस्थ शरीर हो नहीं सकता। ये कर्ता का मतलब ये पूरा शरीर व्याप्ति, अच्छा उसमें स्थित क्या होगा उसका अवय भी होगा। इसे कर्तृस्थ शब्द के आधार पर ही शरीर शब्द का अर्थ शरीर अवय तर्क चला जाता है। शरीर अवयवनांत समवाय न आधारतया तत्संभवती, और शरीर के अवयव क्या है समवाय संबंध से पूरे शरीर का आधार है, नैयायिकों के हिसाब से बोल दिए, हाँ अवयव अवय भाव से बोल दिए। तत्संभवती इति भाव न दो ननु क्रोधापगमस्य क्रोध विषय शत्रुगत अनिष्ट परिहार फलकत्वात् इत्वेपि आत्मपदा प्राप्त है तद्विध्यर्थत्वात् कथमुक्त नियमार्थत्वमस्य सूत्रस्य इत्यतः तत्फलस्य इत्यादि। क्रोधापगम कब होता है, क्रोध का विषय शत्रुगत अनिष्ट परिहार फलकत्वात्, क्रोध का विषय क्या था शत्रु के द्वारा प्राप्त होने वाला अनिष्ट, उसका परिहार हो गया उससे क्रोध नष्ट हो रहा है ना, तो इसलिए इत्वे अभी आत्मपद अप्राप्त है, इत्व होने के बावजूद भी वहाँ पर आत्मपद की प्राप्ति नहीं है, शत्रुगत अनिष्ट का परिहार हुआ स्वगत नहीं, पहले इसका फल क्या हुआ शत्रु से अब अनिष्ट नहीं मिलना है यह मालूम होने से लाभ क्या हुआ, अपने को प्रसन्नता हुई ना, वो तो कर्तृस्थ है, वो प्रसन्नता किसको मिल रहा है शत्रु को मिल रहा है क्या, वो तो स्वगत है, क्रोध का कारण शत्रु था ना, शत्रु का मामला दूर हो गया अब अनिष्ट क्या करेगा वो। कथम उक्त नियमार्थतम अस्य तब का तत् फलस्य, उसका फल क्या है चित्त की प्रसन्नता, वो तो स्व को मिल रहा है, अतः कर्तृगामी मानी जाएगी। गड़ुम्बिने यति कर्मणो गड़ो शरीर अवयत्वात् नात्र पदम, कर्मभूता जो गड़ु है वो क्या है शरीर का अवय विशेष होने से वात्र पद नहीं होगा। कथम तरीदी पौरुषस्य कर्मण शरीरावय भिन्नत्य, जो पौरुष क्या है शरीरावय से भिन्न है उसमें आत्मपद प्रसंग तात्पर्य होना चाहिए, तब का कर्तृगामित्व इत्यादि, वह कर्तृगामित्व की विवक्षा हम नहीं करेंगे ये कहा था। कर्तृस्थ कर्मणि नियत कर्तृगे फले इत्वात् प्राप्त आत्मपदम शरीर भिन्न एव इति नियमित न तो विधीयते, कि कर्तृगस्त कर्म है उस विषय में निधातु को कर्तृगामी क्रियाफल और इत्व प्राप्त आत्मपद को ही शरीर भिन्न में केवल हम नियमन कर रहे हैं, विधि नहीं हो रही है। अत्र तो फल से कर्तृगामित्तम सदपि, या फल कर्तृगामी होने के बावजूद भी न विवक्षितम, विवक्षित नहीं है अतो न आत्मपदम इति भावः। वृत्तिसर्ग आत्मपद विशेष तायन में उदाहरति क्रमन्त्यस्मिन् इत्यादि, तायनम वृद्धि तदा स्फीतानि इति उपपराभ्याम वृत्तिसर्ग तायन शुक्रम इत्यनुवर्तते तेनैव सिद्धे नियमार्थमिदं,
उसके द्वारा जब सिद्ध हो रहा है तो नियम के लिए है। तदा आभ्यामेव क्रमेरिति आत्र पदमिति शेष आंग उद्गमने आंग परस्मात् उद्गमन वृत्ते है क्रम आत्र पदमित्यर्थ। आंग से पर में विद्यमान क्रम धातु जब उद्गमन अर्थ विद्यमान रहेगा तब आत्र पद हो जाता है। आक्रमत सूर्य आंग पूर्व क्रमीर उद्गमनार्थक तदा उदयती इत्यर्थ उपसर्ग वशात इति भाव। यह अर्थ कैसे निकलेगा? उपसर्ग की वजह से। वे पादवेरणे पादवेरणम पाद विक्षेप पर्याय है तदवृत्ते भी पूर्वाद क्रमीर आत्र पदम इत्यर्थ। साधु विक्रमते वाजीति सम्यक पदानि विक्षिपति इत्यर्थ। प्रोपाभ्याम क्रम आत्र पदम इति शेष समौ अर्धौ ययो हो इति नहीं अर्थौ होना चाहिए समौ अर्थौ ययो हो इति विग्रह इत्या समर्थौ तुल्यार्थाविति सवर्ण दीर्घम आशंका सवर्ण दीर्घ होना चाहिए समौ अर्थौ कहोगे तो शकंदवाई तात्पर्य हो गया ना नो प्रक्रमते इत्यत्र अतिशयित पद विक्षेपार्थ प्रतीत है उपक्रमित इत्यत्र समीपे पदानि विक्षेपति इति प्रतीते है कथम अन्योस्तुल्यार्थकत्वम। यहाँ पे प्रोपसर्ग उपसर्ग का अर्थ जो प्रसिद्ध है वो ले रहा है पूर्व पक्षी। प्रकार ले लिया प्रकृष्ट उपकार ले लिया समीप इन अर्थों में से फर्क आ ही गया समान अर्थ रहा नहीं ऐसे पूर्व पक्ष कहे तदाह प्रारंभ रूपी अर्थ में दोनों समान अर्थ होता है तथा च आरंभार्थ का अभ्याम मिति फलितमिति भाव अनुपसर्गाद्वा क्रम आत्र पदमिति शेष अप्राप्त भाषेयमिति अनुपसर्गाद क्रमे आत्र से कदापि अप्राप्तेर इति भाव। लेकिन वृत्त सूत्र में दृष्टांत तो अपने बिना उपसर्ग दिया कहते बात सही है वृत्त्यादाविति वो तो नित्यमेव वृत्तिसर्गता निश्चित तो पूर्व प्रषेधात् नित्यमिति पूर्व प्रषेध करते हुए नित्य किया गया है। अपन्नवेज्य अपन्नवम अपलाप तद्वृत्त्यर्जा धातोर आत्र पदमित्यर्थः।